फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, एलएनटी कंपनी में जब वैकेंसी आती है तो कई सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं इसका पहली बार, तो उसमें समस्याएं कुछ आती हैं, और उन समस्याओं के लिए धीरे धीरे हमने करके कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है एलएनटी कॉर्नर नाम से, उसमें एलएनटी से रिलेटेड सारी समस्याएं, समाधान, बच्चों के इंटरव्यू, कैसे देना है इंटरव्यू, कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, सभी चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। सेम ऐसे ही जेएसडब्ल्यू के नाम से भी जेएसडब्ल्यू कॉर्नर करके प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आपका जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील से रिलेटेड सारे वीडियोज़ उसमें पड़े हैं एक साथ। तो जो भी बच्चे इनका फॉर्म भरते हैं तो वो उन वीडियोज़ को देख लिया करें, और फिर उसके बाद कदम कदम पे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सब उसमें आपको पहले ही मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसको लगेगा मुझे, तो उसमें वीडियो बना करके हम और भी ऐड करते रहते हैं। तो इस बार जो समस्या आई है वो एक समस्या ये है कि बच्चों का भी 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, और उसमें एग्ज़ाम में मार्क्स भरने के लिए पूछा जा रहा है कि 5th सेम के एग्ज़ाम का मार्क्स क्या है। तो बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5th सेम का, एक बात तो होता है कि हमारा जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया होता, एग्ज़ाम हो गया होता, रिज़ल्ट नहीं आया होता, और एक अभी स्थिति यह है कि 5th सेम का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए कि बाहर वाले लोगों के लिए बात एक ही है, 5th सेम का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, या एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट ना आए, या दोनों चीज़ें सेम हैं, रिज़ल्ट आने पर ही मार्क्स वो अपलोड किए जा सकते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं। तो इस संबंध में जो है वो कई बच्चों से बात हुई, और उन बच्चों ने एलएनटी में ही पूछा होगा, और हेल्पलाइन पे या इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके, तो उन बच्चों ने ये बताया है कि अभी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय जो है वो आप मार्क्स का, जो यहाँ पर 5th सेम में आप अब तक के जो मार्क्स आए हैं आपके 4th सेम तक, उन सबका, सारे सेमेस्टर का एवरेज परसेंटेज यहाँ पे आप भर सकते हैं, मार्क्स भर सकते हैं एवरेज लेकर के जो भी आता है, और जब आपका एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा उस टाइम पे फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि एलएनटी में जो है जब रजिस्ट्रेशन के बाद आप पहला राउंड क्वालिफाई कर जाते हैं, और उस समय जो है वो इंटरव्यू से पहले या बाद में आपको एक डिटेल्ड फॉर्म भेजा जाता है जो बच्चे रिटन में सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें आपको साथ में सारे अटैचमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो जब उसका टाइम आता है उस टाइम तक आपके पास रिज़ल्ट, मार्कशीट वगैरह सब आ चुकी होती है, तो उसमें आपका कोई एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अगर अंदाजन भी उसको लिख सकते हैं तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो प्रॉब्लम ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय 5th सेम के मार्क्स क्या बने, 5th सेम का रिज़ल्ट नहीं आया। तो रिज़ल्ट ना आया हो, चाहे आपका एग्ज़ाम ही ना हुआ हो, आप क्या करेंगे, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th, ये रिज़ल्ट आपको मालूम है, और इन रिज़ल्ट के बेसिस पे जो है आप इनका एवरेज कर लें, जितना जितना परसेंट उसके हिसाब से जो मार्क्स आते हैं वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय भर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर 4th या उसमें कोई बैक है, मान लिया सपोज़ जैसे 2 बैक अलाउड हैं और आपकी वहाँ पे तीसरी भी बैक है और आपने रिवोल्यूशन भर रखा है, तो उस केस में भी आप इसको भर दें, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आपके काउंटिंग 2 ही होंगी। तो इस वजह से जो है वो, मतलब इन चीज़ों का आपको मैनेजेबल बाद में भी है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, और अब इस प्रॉब्लम से भी आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, और बाकी स्टेट नहीं आ रहा या कॉलेज नहीं आ रहा इसके लिए मैंने वीडियो बना करके पहले ही अपडेट कर दिया था, उसको बताता भी रहता हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखें ताकि जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है मैं उसी पे कर देता हूँ, कोई चीज़ बतानी होती है तो वहीं पे बता देते हैं हम। और साथ ही साथ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल को आप ऑन पे करके रखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे छूटने ना पाए। कई बार ऐसी भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जिसकी लास्ट डेट शाम को ही होती है और दोपहर में हम उसके बारे में बता पाते हैं, लेट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है जो भी है। तो इस वजह से जो है वो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो वो जितना औरों के पास जल्दी पहुंचेगा उतना ही वो आपके पास जल्दी पहुंचेगा। अब होता यह है कि पता लगा वीडियो चलते 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 शेयर करते 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 और मान लिया सपोज़ 2-3 दिन बीत गए और फिर उसके बाद लास्ट डेट भी निकल गई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो इसलिए जो भी वीडियो देखते हैं आप तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें वो लोग, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।